जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आप आज तक लगातार सुनते आ रहे हैं हमें, इसके लिए धन्यवाद। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लाभान्वित होते हैं हमारे नुस्खों से, इसके लिए शुक्रिया। आइए आज हम आप सबके लिए एक और नया टॉपिक लेकर के आए हैं, बेहतरीन टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। एक और नई औषधि ढूंढ लाए हैं दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी और आपके खाने का जायका भी बढ़ाएगा। दोस्तों आप जानते हैं, परिचित हैं अमरूद। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी औषधि है अमरूद। अमरूद खाने के हमारे लाइफ में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं दोस्तों, वो आज हम आपको बताएंगे। सबसे बड़ी बात, विटामिन सी, जो कि नींबू और किसी भी अन्य खाद्य पदार्थों की अपेक्षा ज़्यादा विटामिन सी की मात्रा अमरूद में होती है दोस्तों। तो विटामिन सी के सबसे पहले हमें जानना होगा दोस्तों कि विटामिन सी के लाभ क्या क्या होते हैं, फ़ायदे क्या क्या होते हैं। विटामिन सी हमारी बॉडी में सबसे पहले त्वचा के निखार में काम आता है दोस्तों। अगर विटामिन सी की मात्रा हमारी बॉडी में भरपूर रहती है तो हमारी त्वचा में निखार आता है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर आप अमरूद को काट करके उस पर काला नमक, या काला नमक ना हो तो सेंधा नमक, या वो भी ना हो तो नॉर्मल नमक मिला करके खाते हैं दोस्तों, तो पेट दर्द में राहत मिलती है। जी हाँ, अगर आपका पेट दर्द कर रहा हो और अगर आप उस पर नमक मिला करके खाते हैं तो आपके पेट के लिए ये बहुत ही लाभकारी होता है। सुबह खाली पेट 200 से 300 ग्राम अमरूद नियमित रूप से सेवन करने से बवासीर में लाभ मिलता है। ये खास समस्या है, हर लोग, मतलब बहुत तरह के लोग दोस्तों बवासीर से आज पीड़ित हैं। चूँकि हम इतना फास्ट फूड खाते हैं दोस्तों कि हमें आदत हो गई है, हम लाल मिर्च खाना या बहुत सारे मसाले खाना, इसकी वजह से हमें, यानी कि बहुत सारे लोगों को बवासीर हो ही जाता है दोस्तों। तो बवासीर से ये राहत देता है क्योंकि ये पेट के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। ये हर चीज़ों को डाइजेशन में, आपके डाइजेशन सिस्टम को ये बहुत मजबूत करता है अमरूद, जिसकी वजह से आप कुछ भी खाते हैं तो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, आपके बवासीर में ये काम आता है। पके अमरूद खाने से पेट का कब्ज दूर हो जाता है। जी हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर आप पका हुआ अमरूद खाते हैं तो आपके पेट से कब्ज दूर हो जाती है। अब कब्ज दूर होगी तो सीधी सी बात है, आपका पेट साफ हो रहा है। अगर आपका पेट साफ होगा तो फिर बवासीर की भी समस्या गायब ही हो जाएगी। गर्म रेत में अमरूद को भूनकर खाने से सूखी कफ युक्त और काली खांसी में आराम मिलता है। यह प्रयोग दिन में 3 बार करना चाहिए। अमरूद की कोमल पत्तियों को चबा चबा कर खाने से दांतों की पीड़ा नष्ट हो जाती है। अमरूद के पत्तों को जल में उबालकर और फिटकरी घोलकर कुल्ला करने से दांतों की पीड़ा नष्ट हो जाती है। मसूड़ों में दर्द, सूजन और आंतों में दर्द होने पर अमरूद के पत्तों को उबालकर गुनगुने पानी से कुल्ला करने से आराम मिलता है दोस्तों। आधे सिर का दर्द, जी हाँ दोस्तों, आधे सिर के दर्द में कच्चे अमरूद को सुबह पीसकर लेप बनाएं और उसे मस्तक पर लगा लें। इससे आपको आधे सिर का दर्द जो होता है, यानी कि किरनिवाह भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, वो गायब हो जाएगा दोस्तों। मलेरिया बुखार में, जी हाँ, मलेरिया बुखार में अमरूद का सेवन लाभकारी होता है। नियमित सेवन से तिजारा और चौथिया ज्वर में भी आराम मिलता है। अमरूद और सेव का रस पीने से बुखार उतर जाता है। अमरूद को खाने से मलेरिया गायब हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि भांग, जी हाँ, नशा में अगर सबसे कोई खतरनाक नशा है जो कि कई बार सर पे चढ़ जाए तो हम तीनों त्रिलोक घुमाते हैं जमीन पे ही रह के, तो उसे गायब करता है अमरूद। जी हाँ, अगर आप अमरूद पत्ते को पीस करके और पी जाते हैं तो भांग का नशा उतर जाता है। मानसिक चिंताओं का भार कम करने के लिए सुबह खाली पेट पके अमरूद चबा चबा करके खाएं। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार से देखा आपने कि एक अमरूद किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, हमारे लिए गुणों की खान होता है। तो हमें नियमित यूज करना चाहिए, नियमित ना तो आप वीकली तो ज़रूर ही यूज कर लीजिए। आज के लिए धन्यवाद, अगली बार हम आपसे मिलेंगे एक और नए टॉपिक पर। शुक्रिया।